इंट्रोड्यूसिंग वन प्लस 8 प्रो। दोस्तों 2020 में वन प्लस अपने 3 नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगा इंडिया में। पहला फ़ोन होगा वन प्लस 8, दूसरा फ़ोन होगा वन प्लस 8 प्रो और तीसरा फ़ोन होगा वन प्लस 8 लाइट। दोस्तों वन प्लस 8 लाइट एक अफोर्डेबल वेरिएंट होने वाला है जिसमें आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलेगी, जबकि वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो दोनों ही हाइयर वेरिएंट होने वाले हैं जिसमें आपको हाइयर स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे। दोस्तों वन प्लस 8 और वन प्लस 8 प्रो में आपको 120 हर्ट्ज़ की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी जो कि इस फ़ोन की मेन हाईलाइट है। दोस्तों काफ़ी टाइम से इस फ़ोन के लीक्स और रूमर्स निकल के आ रहे थे, लेकिन अब इस फ़ोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लीक्ड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन प्लस 8 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस फ्लूइड एमोलेड 120 हर्ट्ज़ की कर्व्ड पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1440x3120 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 517 पिक्सल पर इंच की। और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी मिलेगा और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों वन प्लस 8 प्रो की डिस्प्ले में आपको मोशन इंटरपोलेशन यानी कि MEMC का सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आप 30 FPS वाली वीडियोस में फ्रेम ऐड करके उनको 120 FPS पर वॉच कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 के सेंसर के साथ, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सोनी IMX616 सेंसर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम ऑक्सीजन OS के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 35W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। साथ में दोस्तों फ़ोन में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट और इसकी प्राइस के बारे में। दोस्तों फ़ोन आने वाला है 2 रैम वेरिएंट में। पहला वेरिएंट होगा 8GB 128GB और दूसरा वेरिएंट होगा 12GB 256GB। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस के बारे में। दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस यानी कि 8GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग 40 से 45,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों अब आखिर में बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में अप्रैल या फिर मई के मंथ तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।